मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम निकल रहे हैं टुंगनाथ ट्रैक करने के लिए। एकदम सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है, अंदर कंफर्टर भी पहना हुआ है, एक स्वेटर दूसरा स्वेटर और फिर ये ऊपर स्कार्फ भी लगा लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और उसके बाद वहाँ से 1 किलोमीटर चंद्रशिला है तो हम वहाँ भी जाएंगे, तो टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी अंधेरा है तो इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, जब जैसे ही थोड़ा सनराइज होगा सब कुछ क्लियर दिखेगा, तो अभी चलते हैं। मैं कैसी डरावनी लग रही हूँ। हे टुंगनाथ बाबा, हमारा अच्छे से ट्रैकिंग हो जाए। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। लगभग 1 घंटा हो गया हम लोगों को ट्रैक करते करते। ऊपर एकदम क्लियर स्काई है, चारों तरफ एकदम स्टार्स ही स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है। हल्की 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 मूनलाइट भी आ रही है, अलग ही मजा है भाई इतना सुबह उठ के ट्रैक करने का। नींद तो एकदम गायब हो गई, नींद गायब हो गई, बॉडी में थोड़ी गर्माहट भी आ गई है, जो हमको पहले ठंड लग रही थी वो भी महसूस होना कम हो गई है। तो थोड़ी सी बर्फ मिली है। अभी और चलना है हमको, विश कि हम थोड़ा सा सनराइज देख पाए। देखिए अभी थोड़ा उजाला हुआ है तो विजिबिलिटी है, अभी थोड़ी बहुत दिख सकता है। देखिए अभी हमको और उधर जाना है, अभी हल्का हल्का उजाला हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। लुक एट द व्यू, हाँ 2.5 किलोमीटर करीब आ गए हम लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल टुंगनाथ, 3,500 मीटर की ऊंचाई पे। मैडम अभी भी पीछे, मैं काफी आगे चल रहा हूँ, ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। करीबन 600 मीटर की चढ़ाई और बची है, कोशिश तो यही थी कि सनराइज के पहले पहुंचा जाए। हल्का सा लेट हो गया, करीबन 20 मिनट सनराइज वहाँ पे होने वाला है। मैडम अभी बहुत पीछे, ठंड एकदम से बढ़ गई है। गनीमत ये है कि यहाँ हवाएं नहीं चल रही, यहाँ एकदम शांत है, मौसम एकदम साफ है, पूरे बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं। हाँ ये पूरी स्ट्रेट चढ़ाई एकदम थका देने वाली है, पूरा वहां तक अभी और ऊपर चढ़ना है। मोर दिख रहा है इतनी ऊंचाई पे, स्टार्ट हो गई अभी चलना। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी, कोई आसान काम नहीं है भैया। पिघलना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट आ चुके हैं गोल में, तो अभी भी 300 मीटर तक था है भाई, ऊपर आ रहे। और ऊपर है क्या? सूरज की पहली किरण, पूरा टुंगनाथ जी का मंदिर।
आनी है मैडम, जल्दी आओ। कहाँ ऊपर? अरे चलेंगे, 1 किलोमीटर ही है। आ जाओ, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग सुबह निकले थे 3 बजे, बहुत ज्यादा अंधेरा था तो हम दो ने हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर हम नीचे देखा हमने तो कुछ लोग थे, तो ये सारे लोग हमको मिले हमारे साथ साथ। Hi, Nitushree, you're from Assam. Hello, Madhushmita from Assam as well. Ranju from MP. I'm so. So बहुत मजा आ रहा है सबके साथ, बहुत फास्ट चलते हैं ये लोग। मैं सबसे पहले ये लोग ही पहुंचे, मैं तो एकदम पीछे रह गई थी, सबसे लास्ट आई हूँ मैं। So beautiful view. ऐसे ही जगहों में ना क्या ग्रुप में आने में थोड़ी हिम्मत रहती है, क्योंकि रास्ता ऐसा रहता है सुनसान। क्योंकि हम 3 बजे सुबह ट्रैक करना चालू किए तो एकदम ही खाली था, कोई भी नहीं मिल रहा था, लोग अब आना स्टार्ट होंगे। तो ऐसे में जब आप ग्रुप में आते हैं ना तो थोड़ी हिम्मत रहती है, जा पाए नहीं तो इतना अंधेरा होता है ना कि डर लग जाता है। पर बहुत ही मज़ा आया, यकीन मानिए अगर आप आएंगे तो अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट करिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और बहुत ठंड हो रही है यहाँ, मेरे तो हाथ पूरे ऐसे जम से गए हैं। अभी मंदिर बंद है, मंदिर का पट, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर इतना दूर आ गए हम लोग, यही बहुत बड़ी बात है। ये खुलेंगे 7-8 तारीख तक, जब केदारनाथ जी खुलेंगे उस टाइम पे ये भी खुलेंगे। गाना चल रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। इधर भूतनाथ टेम्पल है, बादलों के ऊपर इतना अमेजिंग फील हो रहा है ना। ये जो टेम्पल है वर्ल्ड का शिव जी का सबसे हाईएस्ट पीक पर है। सोचिए कहाँ कहाँ टेम्पल बना रखे हैं भोले बाबा ने, अपने भक्तों को बुला लेते हैं इतना दूर दूर, सोचने वाली बात है। तो यहाँ से चंचला है 1 किलोमीटर, हम लोग जाएंगे अभी मंदिर में, पैर जूते उतारने पड़ गए, काफी ठंडा था। फ्लावर का वैली दिखाई देता है। ओ वहाँ आप इंद्र से हो? हम मुड़वा हो सुन जल्दी मैं वीडियो करूँ। कितना ब्राइट पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए व्यू यहाँ से, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बस जो हम ग्रुप में लोग आए हैं अभी वही है। ये देखिए सब सेल्फी ले रहे, फोटो ले रहे। वो जब हम निकले थे 3 बजे इतना अंधेरा था, हम एकदम डर गए, अकेले ऐसे बहुत डर लगता है क्योंकि इतना अंधेरा होता है ना और कुछ भी नहीं है चारों तरफ। एकदम क्लिफ पे था अभी मैं, आधा रास्ता तो आ गए हैं वहां से। देखो वहां से उधर निकाले लोग आ रहे हैं, उधर से उधर। क्यों ये चंद्रशिला किधर है? वो है क्या ऊपर, वो सबसे ऊपर?
हाँ चंद्रशिला तो और ऊंचाइयों पे और बहुत ज्यादा टफ है। धूप आ रही तो अच्छा लग रहा है। लगभग 4 घंटे से हम खूब चढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है। मैडम मड़ी वहाँ पे आराम फरमाती हुई नहीं आएगी, वो हार मान ली उसने, लेकिन उम्मीद से बेहतर किया उसने। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भी चढ़ पाएगी। You can do it। यहाँ से चढ़ेंगे। भैया वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा? देख मत लो, वो पानी गिर रहा है ना, स्लिपरी है। चलो पत्थर से चढ़ते हैं। This is it। बस हुए आ गए। वाओ। वो अंधेरी आधी रात में तारों के साथ चलना, सर्द ठंडी हवाओं में पहाड़ों पे चढ़ना, अपनी हर एक सांस का एहसास करना, अपने पैरों की ताकत पे यकीन करना, अपने साथ चल रहे लोगों का हौसला अफजाई करना और मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी आखिरी हिम्मत तक जुटे रहना, ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते ना जाने जीवन की कितनी सीख हमें मिली। जय माता दी। पहले बहुत मुश्किल लग रहा था, पहुंचने के बाद द व्यू इज ऑसम, नो वर्ड्स। Most amazing experience ever. बाबा कितना चल लिए, सुबह 3 बजे से निकले हैं, जो यहाँ 8:30 बजे पहुंचे। जितने लोग चढ़े ना उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं। Never underestimate the power of a woman. ये देखिए क्या लिखा है भाई, we will be back for चंद्रशिला। कितने लोगों ने अपने handwritten notes लिखे हुए हैं। Cover is the best addiction।